स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेमी एंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट द सेंटर इज 90 डिग्री। फाइंड द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय दिस कोड। सो ये तो क्वेश्चन हो गया था। सेवन्थ क्वेश्चन देखो। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 सेमी फाइंड ऑफ एरिया ऑफ इस वन क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? एक आपको क्वाड्रेंट रह गया था बताना, अभी बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने बोला है बी सर्कमफ्रेंस दे रखा है 22 सेमी। तो देखो सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2πr। तो 2πr अपने को दे रखा है 22 सेमी। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 2 × 22 × 7 × r = 22 सेमी। तो देखो मैं यहाँ से ये 7 तो चला जाएगा ऊपर, 22 × 7, और 2 × 22 नीचे आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ, 22 × ये 22 में 7 तो ऊपर चला गया और 2 × 22 नीचे आ गया, 2 × 22। 22 से 22 कैंसिल, 7/2 कितना आ गया, 3.5। 7 का आधा कितना होता है, 3.5। तो रेडियस अपने पास आ गई सर्कल की कितनी है, 3.5। अब उसने पूछा है एरिया क्वाड्रेंट। ध्यान से समझिए क्वाड्रेंट क्या होता है। वन क्वाड्रेंट सर्कल के चार पार्ट होते हैं ये, ठीक है, चार क्वाड्रेंट होते हैं। एक क्वाड्रेंट का अपने को पूछा है, तो एक क्वाड्रेंट में एंगल बनता है कितने का, 90 डिग्री का। कितने का बनता है, 90 का। और रेडियस अपने को क्या दे रखी है, 3.5। तो या तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो 1/4πr², क्योंकि पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा है ना ये, इसलिए 1/4 आ गया। ये 1/4 आया कैसे, 90/360, क्योंकि पूरा एंगल 360 का होता है और ये इतना पार्ट 90 का है, तो ये कट के 1/4 आ जाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट याद रखना 1/4πr², जैसे इसमें कर रखे है। देखो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, ये 3.5 दो बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 90 से ये कैंसिल, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5, ये पूरा नहीं कर रखा, आप ढंग से कीजिए इसको। 1/4 90 और 360 हो गया, 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से ये कट गया 11, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। तो नीचे तो बच गया 2 और 4 यानी 8, और ऊपर बच गया 11 × 7, 77। तो 77 में अगर 8 का डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा आपके पास 9.625 cm². ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी आपको पढ़ाते हैं। ए होवर एंड ओवर एंड 5 सेमी लॉन्ग, जैसे एक घड़ी की सुई है जैसे, ठीक है, ओवर एंड वो 5 सेमी लंबी है, तो बताओ 7 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी। जैसे 10 मिनट तो यहाँ हो जाते हैं, 5 मिनट यहाँ होते हैं, 7 मिनट मान लो यहाँ होते हैं, तो ये कितना एरिया कवर करेगी वो अपने को बताना है। तो रेडियस अपने पास दे रखी है 5 सेमी, एंगल अपने निकाल लेंगे। तो ओवर एंड आपको बताया था कितने का एंगल बनाती है, हाफ का। डायग्राम जरूर बनाएं, 1 मिनट में बनाती है हाफ का, तो 7 मिनट में कितना बनाएगी, 7/2। तो देखो करते हैं अभी, देखो रेडियस कितनी है, 5 सेमी। 1 ओवर एंड मेक एंगल इन 1 मिनट = कितने डिग्री का बनाती है, हाफ। तो 7 मिनट में कितना बनाएगी, 7 × हाफ यानी 7/2। ये तो आ गया एंगल। अब अपने फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 × πr², थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 7/2, 360 वैसे का वैसे, ये 22/7, और रेडियस कितनी है, 5 × 5। अब इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ, साइड में देखो, ये 7 से 7 तो सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 से 11 सीधा कैंसिल हो गया, तो 11 × 5 × 5 बच गया, अपॉन बच गया 360। तो 5 के टेबल से काट दो इसको,
7 जा 2 जा, तो 11 इंटू 5 ऊपर तो बच गया 55, नीचे बच गया 72, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.764 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर करेगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगल है एबीसीडी जिसकी लेंथ दे रखी है ए बी और बी सी, तो बताओ शेडेड एरिया क्या होएगा। रेडियस दे रखी है 3.5, जैसे ये है, तो ये 10 है, ये 7 है, ठीक है, ये 10 है, ये 7 है, रेडियस है 3.5 सारों की। इस देखो सर्कल बने हुए ना, इतने सर्कल है, तो ये देखो आप क्वाड्रेंट नज़र आ रहे हैं आपको, जैसे सर्कल का चौथा पार्ट नज़र आ रहा है, ये ओनली इतना नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये पार्ट आपको चार पार्ट बने हुए हैं, 1 2 3 4, तो आपको सिर्फ इसका एरिया निकालना है शेडेड का। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो ये एरिया बीच वाला आपको निकालना है, बीच वाला एरिया निकालना है, तो ये 10 है, ये 7 है, ठीक है, तो रेडियस दे रखे 7/2 यानी 3.5 अपने को दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट यानी फोर क्वाड्रेंट अपने माइनस कर देंगे। ये देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से -4 एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, 4 × एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, जैसे चार क्वाड्रेंट है ना, तो देखो रेक्टेंगल का तो बताया हुआ है L × B, तो 4 × 1 क्वाड्रेंट का मैंने अभी बताया था 1/4 πr² होता है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, L × B यानी 10 × 7, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, आर की वैल्यू 3.5, पॉइंट आया 10, पॉइंट आया 10, 7 से ये कैंसिल 5 पे, 5 × 2 = 10, 2 से ये कैंसिल 11 पे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल इजी से, 32.5 आएगा, 38.5 आएगा ये, ठीक है, और माइनस करने पे आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व जरूर करें। थैंक यू।